भाई क्या वाटर का क्या फ्लो है यार, बाप रे बाप, उफान मार रही है। वाटर क्रॉसिंग यहाँ भी कम नहीं। अरे रे 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 रे, बचा कि गया। अरे भाई जोर से लगा दिया। इधर भी वाटर क्रॉसिंग सब है। जा रहे है पदुम, बाय। हाँ पैसे क्यों, चॉकलेट दिया ना। उफू। क्या, अरे चाचा गुस्सा आ गए। अरे रे रे भैया, ऐसे ही में तुम गिरोगे किसी दिन। यही है पेंजिला पास। ये है द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल बाइकिंग सोल। आई एम गुड एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। मुझे वो कारगिल वाला रूट कवर करना था, पूरा कारगिल तक नहीं, सुरु वैली से। लेकिन सुरु वैली आया, फिर उसके आगे और बढ़ता गया और शंकु विलेज आ गया। यहाँ से आई थिंक कारगिल हार्डली 50 किलोमीटर होगा। और मैं आया था मैत्री बुद्ध स्टैच्यू देखने के लिए, जो कि बहुत पुराना है। मुझे पता नहीं, याद नहीं है कितना पुराना है। यहाँ आके ना एकदम वर्थ लगा, क्योंकि ये जो सुरु रिवर है एकदम बह रही है मस्त फ्लो में। आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। और यहाँ से जो स्टैचू का नज़ारा है ना, मैं देख रहा हूँ, मस्त है। थोड़ा अंदर आके है, मेन रोड से ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर अंदर आके है, और एक नंबर स्टैचू लग रहा है यार। कैसे उन्होंने पत्थर को काट के बनाया है ये, क्या मस्त नकाशी की है। पहाड़ को ही काट के बना दिया है। और ये है आपका शंकु विलेज के पास। यहाँ से जो नज़ारे हैं ना, एक नंबर के हैं। देखो पूरा स्नो कैप्ड माउंटेन्स वहाँ पे, फिर इधर भी थोड़ा बहुत है, पूरा चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये। और उसके बीच में ये बुद्धा का स्टैचू। यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे घंटे गुजारने के बाद मन कर रहा है यहाँ से निकलूँ। और एक्चुअली यहाँ पे बारिश हुई है कल, तो क्या हुआ है ना, थोड़ा सा उमस लग रहा है। और मैंने अंदर में विंटर लाइनर्स भी पहना है, तो हो सकता है इसलिए गर्मी लग रहा हो। जो व्लॉग है वो आते टाइम का इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि फिर आते टाइम का भी बनाओ, फिर जाते टाइम का ही भी बनाओ। तो मैं सोचा पहले शंकु विलेज पहुंच जाता हूं, मैत्री बुद्धा स्टैचू पहुंच जाता हूं, और फिर वहां से सारे व्लॉग्स बनाता जाऊंगा टिल पदुम तक। वैसे शंकु वैली को क्या बोलते हैं, यहां का गुलमर्ग बोलते हैं, गुलमर्ग ऑफ कारगिल। वाला जो देख रहे हैं ना, इसी के पीछे है बुद्धा का स्टैचू। क्या मस्त नज़ारा है यार। वैली में रहने का ना एक अलग ही मज़ा है भाई। क्या एकदम इधर ही आ गई रोड पे, चलते चलते बात करते करते बच गया। पैनियर में टच नहीं हुआ, नहीं तो मैं भी गिरता। और सामने का नज़ारा देखो, सीरियसली इसे गुलमर्ग कहा जाता है। शंकु विलेज ना एक नंबर है। कैसे जाना था मुझे, नीचे से आया था ना मैं। हाँ, और यहाँ पे जो रोड है ना, रोड तो ठीक है, बट ये देखो दोनों तरफ कौन से पेड़ है। बैम्बू जैसा लग रहा है, बट बैम्बू है नहीं, अब मुझे उतना पता नहीं है कौन सा पेड़ है। और दोनों तरफ पेड़ है एकदम घने, और सामने से अगर कोई आए ना तो बहुत दिक्कत होता है। यही है वो सुरु रिवर, पता नहीं दिखा कि नहीं आप लोगों को। जो चुटुक हाइट्स में हम लोग रुके थे ऑलमोस्ट 7-8 दिन पहले कारगिल में, इसी रिवर के बगल में था वो होटल। और चुटुक पावर प्लांट्स भी है। अरे भाई ज़ोर से लगा दिया। अगर आप कारगिल से पदुम की तरफ जा रहे हैं तो चुटुक पावर प्लांट्स भी मिलता है। यही है सुरु रिवर, एकदम ऐसा ही फ्लो था चुटुक हाइट्स के पास। देखने से तो मुझे बहुत लोग तिब्बतियन ओरिजिन के लगते हैं, बट हैं वो मुस्लिम। वाटर का क्या फ्लो है यार, बाप रे बाप, उफान मार रही है। जो सामने वाला पहाड़ है ना, उसे देख के सही में गुलमर्ग की याद आ रही है। ओहो लुक एट दिस, बाप रे। और जब मैं चुटुक हाइट्स में था लास्ट वीक, तो मैंने पूछा था होटल वालों से कि ये पानी का लेवल जो है वो ऊपर आता है कि नहीं, तो उन्होंने कहा था वो मैक्सिमम है। अरे यार रुद्र रूप, अक्टूबर तक में तो बहुत पतली हो जाती है, ऑलमोस्ट 10-20 मीटर की हो जाती है। हमें किधर जाना है, वे टू कारपोखर नहीं जाना हमें, हमें जाना है, अच्छा पुल क्रॉस करना है क्या। नहीं, मुझे लगा पुल क्रॉस करना है, वो आगे में भी पुल है, ये पुल क्रॉस करना है। वाह, हर जगह मैंने ये पोस्टर देखा है, पता नहीं किसी से पूछूंगा क्या है ये, मतलब
लास्ट टाइम नहीं देखा था, कारगिल से ले की ओर जा रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। कंस्ट्रक्शन का काम ना बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे। रोड ठीक ठीक है, बीच में इस तरह के डाइवर्जेंस बहुत हैं, बहुत। अगर ख़राब रोड रहे तो एक बार एंड्यूरो मोड पे लगाओ और चल दो, पर कभी ऐसा रोड हो जाता है और फिर कभी डाइवर्जन में वैसा रोड हो जाता है। सही है, BRO काम कर रही है, पता नहीं ये BRO के अंडर में नहीं होगा, ये तो NHAI के अंडर में होगा क्योंकि ये NH301 दिखा रहा है। चॉकलेट ख़रीदना यार, बहुत बच्चे मिल रहे हैं और चॉकलेट नहीं दे पा रहा हूँ मैं। चॉकलेट है ये, कितने का है? ये 25 दे दो। चलो भैया चॉकलेट ले लिया, अब किसी भी बच्चे को निराश नहीं करूँगा। सामने का व्यू देखो यार, क्या मस्त व्यू है। वहाँ तो लग रहा है एकदम फ्रेश स्नो हुआ है, ऊपर में भी एकदम फ्रेश स्नो हुआ है। सीरियसली यार क्या मस्त व्यू है, यहाँ के लोगों को तो एकदम जन्नत में रहने को मिल रहा है। यहाँ के लोगों का नसीब तो यार सीरियसली जन्नत में रह रहे हैं ये लोग। और वैसे भी इसको गुलमर्ग ऑफ कारगिल कहा ही गया है। अरे आज तो संडे है, आज भी स्कूल है क्या, या फिर ऐसे ही पढ़ने जा रहे होंगे। सुपरमैन सुपर, अगर मैं इधर नहीं आया रहता ना तो ये सारा पार्ट छूट जाता। थैंक गॉड कि मैं आया इधर। इधर भी वाटर क्रॉसिंग सब है। यहाँ से लग रहा है रोड खराब ही है, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जा रहा है पदुम, बोल रहा है हाथी कहाँ लेके आए हैं। ओहो भैया बहुत जगह काम चल रहा है, मैं सेकंड गियर पे रखा था बाइक को। सो फार इट्स ऑसम। और ये देखो व्यू भैया, ये जो सारे जो टेंट है ना सब लेबर्स के होंगे। मुझे लगता है एक दो साल में ये रोड भी ना टनाटन हो जाएगा। एक नंबर लग रहा है भैया, एक नंबर। वाटर क्रॉसिंग यहाँ भी कम नहीं। अरे रे 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 रे, बच्चा की गया। खतरनाक तरीके का था यार, मैं देखा ही नहीं। एक बार उतर के देखता हूँ। क्या हुआ भैया, आ जाओ। यहाँ पे रुक के देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जर्क लगा है बाइक में। कुछ हुआ तो नहीं, देख के तो नहीं लग रहा है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। नज़ारा एक नंबर है, ट्रक आ रहा है, ट्रक को तो पीछे कर देंगे, कैंपर भी आ रहा है। अगर वहां से बादल हट जाए तो शायद थोड़ा अच्छा व्यू आएगा। वो क्या है, रास्ता है या फिर? नहीं नहीं वो भी शायद लगता है स्नो मेल्ट हुआ है। बीच बीच में ना मस्त रोड आ जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे कल ही बनाया गया है। ऑब्वियसली कल ही बनाया गया हुआ है, अभी भी स्मेल आ रहा है। ज़्यादा खुशी ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। आई नो, विंटर लाइनर्स पहन रखा है, गर्मी लगनी शुरू हो गई। क्या करें, निकालें, थोड़ा देर और चलाते हैं। 10 बज रहा है। लद्दाख वाले रीजन में ना ग्रीनरी नहीं मिल रहा था, मतलब यहाँ पे देखो हर पेड़ ना ग्रीन है और उसके ऊपर आइस, पूरा वो गुलमर्ग में जैसे था ना वैसा ही है। और NHAI तो पूरा काम में लगा हुआ है, NHAI या BRO आई डोंट नो। और बारिश की वजह से ना रोड थोड़ा गीला हो गया है, लेकिन अपना एवरेस्ट एवरेस्ट है भैया।
कहीं भी जा सकता है। जब वो ले से पदुम कर लिया तो फिर ये तो होना ही होना है। चॉकलेट चाहिए? क्या नाम है आप लोग का? आपका लीजिए, खुश, बाय। हाँ, पैसे क्यों? चॉकलेट दिया ना, पैसे का आप गलत यूज करेंगे। अरे बच्चे लोग काफी ठीठ हो गए भैया। पैसे चॉकलेट नहीं तो पैसे दो, चॉकलेट भी दो पैसे भी दो। यह इंड्यूरो मोड पे आ गई है गाड़ी अपनी और तेरी। ये तो जंगल में घुस रहा है क्या? ये कौन सा पेड़ है यार? अब बच्चे गाली भी बक रहे थे, साला इतना छोटा बच्चा और कैब वाले को बोलता अबे साले। उफू। क्या? अरे चाचा गुस्सा गए। यही रास्ता है ना, पूछ लेता हूँ मैं किसी से। चॉकलेट ना तो गाली बकते हैं। रास्ता तो यही लग रहा है, ट्रक सब आ रही है तो रुक ही जाता हूँ मैं। पैनियर का डर लगा रहता है। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, मुझे लगता है शंकु से ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर आगे आए हैं और रेस्टोरेंट का नाम है ग्लेशियर व्यू पॉइंट। और सही में व्यू पॉइंट है भी, ग्लेशियर तो नहीं दिख रहा लेकिन स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं। हाँ, ब्रेकफास्ट में मैंने मंगाया है ऑमलेट, मैगी और चाय हमारा आने वाला है। यहाँ का मैगी और ऑमलेट ना सीरियसली एक नंबर रहता है यार, अपने तरफ उधर मिलता नहीं है, शायद पानी का डिफरेंस है। टू गुड। एकदम प्लेन मैगी है और प्लेन ऑमलेट है, ना प्याज ना मिर्ची कुछ नहीं, और एकदम मस्त लग रहा है। चलो यहाँ से निकल रहे हैं, मस्त ब्रेकफास्ट हो गया। आगे रंगदुम, रंगदुम गोंपा जाते हैं और मुझे लगता है 40-41 किलोमीटर होगा यहाँ से, उसके बाद पदुम फिर होगा 100 किलोमीटर, गणपति बप्पा मोरिया। रंगदुम तक ऐसा ही रोड है, बीच बीच में थोड़ा खराब होगा। ए भाई, ओए भाई, ओए भाई, बच गया, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब जान में जान आ गया। सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऊपर से तो क्या बड़ा बड़ा बुल्डर गिरा रहा है। भाई क्या स्लसी है, मुझे लगता है इतना मैंने स्लसेस अभी तक इस ट्रिप में क्रॉस नहीं किया होगा। जांसकार में किया था, थोड़ा बहुत किया था, लेकिन यहाँ तो भाई हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। बाप रे बाप, लग रहा है छोड़ रहा है, ये भी देखना पड़ेगा ना। निकल जाओ, निकल जाओ बेटा। चलो निकल गया। बहुत गलीच है यार, बहुत कीचड़ है, जूते पे तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, मतलब पूरा जूता ना कीचड़ में धंस जा रहा है। जहाँ से ब्रेकफास्ट किया था वहाँ से मुझे लगता है 10 किलोमीटर ही चल पाए हैं। मज़े लो यहाँ से, रंगदुम 20 किलोमीटर। क्या हवा ठंडा लग रहा है यार, इतना कीचड़, यहाँ कीचड़ क्रॉसिंग हो रहा है। वाटर क्रॉसिंग हो रहा था लद्दाख और जांसकार में, हाँ वाटर क्रॉसिंग तो हो ही रहा है छोटा मोटा, उसके साथ साथ कीचड़ क्रॉसिंग हो रहा है। पैर का हालत देखो, देखो क्या हाल है, इस साइड वाला देखो, लेकिन क्या नज़ारा है भैया, मज़ा आ गया। देखो अभी, यो हो, सुपर सुपर से भी ऊपर। पदुम है 130 किलोमीटर। ओके,
सो वी हैव रीच्ड रंगदुम और ये है रंगदुम गोम्पा, रंगदुम मोनेस्ट्री। वाव, वेलकम। जाने का तो कोई, अरे रे रे भैया, ऐसे ही में तुम गिरोगे किसी दिन। जाने का तो कोई प्लान है नहीं, लेकिन यार मस्त लग रहा है। रोड बना हुआ था पीछे तक, ऑलमोस्ट 27-28 किलोमीटर का रोड बना हुआ है। एकदम बढ़िया लग रहा है भैया, एकदम। और बीच बीच में ये छोटा मोटा डाइवर्जन तो आता ही रहता है। सोच रहा हूँ कहीं चल के ड्रोन उड़ाऊँ। पीछे एक बहुत अच्छा लोकेशन मिस हो गया, बहुत सारे जानवर थे, एकदम प्लेन वैली टाइप लग रहा था, पूरा ग्रीन, थोड़ा सा तालाब या पॉन्ड जो बोलो वो था। मैं सोचा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शायद अच्छा और मिल जाए। वैसे है, अच्छा दिख रहा है, सो गुड। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, शंकु विलेज से ही एकदम शुरू है, पूरा शुरू वैली में स्नो स्नो स्नो। अभी एक जगह रोकेंगे क्योंकि हमारा सेकंड डेस्टिनेशन क्रॉस हो गया। अभी हमारा थर्ड डेस्टिनेशन है पेंजिला, पेंजिला पास। सो फार इट्स ऑसम, लगता है वही है पेंजिला पास, लग तो रहा है। हाँ तो काफ़ी ज़्यादा स्नो है, क्लाउड है। अच्छा वो मैंने विंटर लाइनर्स नहीं हटाए, अचानक से ठंड लगने लगा। मुझे लगता है पेंजिला पास आने वाला है इसीलिए। इधर से लेना है क्या? लग रहा है पुल का काम चल रहा है। यार बेंगलोर जाऊंगा तो ये सब मिस करूंगा बहुत। ओहो चलो कोई नहीं, वीडियो देखते रहेंगे। क्या मस्त लग रहा है यार, एक लाइन से सारा ग्लेशियर्स दिख रहा है, सुपर मज़ा आ रहा है। और अचानक से ना टेम्परेचर गिर गया है, 24-25 था और 14 डिग्री सेल्सियस हो गया, एकदम ठंड लग रहा है। थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है बूंदाबांदी भी शुरू हो गया है। क्या व्यू है यार, सीरियसली एकदम, ओहो मज़ा आ गया मज़ा। ये देखो चिकी चिकी, रोड बस यहीं बना था पेंजिला पास से 2-3 किलोमीटर होगा पीछे, वहाँ तक ही रोड है। और पेंजिला पास मुझे लगता है यहाँ से 2 किलोमीटर होगा। देखो वहाँ भी वो क्रॉस कर रहा है, मैं भूल गया क्या तो है, मैं बहुत देखा हूँ। यही है पेंजिला पास, 14,000 फीट। यू आर ऑन टॉप ऑफ पेंजिला पास हाइट 14,000 फीट। फाइनली पेंजिला पास पे आ गए। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन जांस्कार कारगिल हाईवे। सारा का सारा पास कवर कर लिया। अभी एक बचा हुआ है सिंकुला पास, जो कि जांस्कार से मनाली वाले रूट पे आता है, 16,000 फीट पे है। भगवान ने चाहा तो वो भी कर ही लेंगे। तो चलो यहाँ से निकलते हैं टिल पेंजिला पास तक, रास्ता एकदम बढ़िया है। अब यहाँ से थोड़ा ऑफ रोडिंग मिलेगा, सो लेट्स इंजॉय। और एवरेस्ट अपनी पास पे पास कैप्चर कर रही है। यह है द्रांग द्रुंग ग्लेशियर, ये द्रांग और वो द्रुंग, वो अभी बादल में छिपा हुआ है। क्या मस्त व्यू है यार, सीरियसली। ओह बहुत हवा तेज चल रहा है और बाइक जो है इसका हाथ के पीछे है, मैं पूरा ऊपर ट्रैक करके आया हूँ। सुपर यार, ये व्यू के लिए तो बनता है इतना, सुपर। ऐसा लग रहा है पूरा नदी ना एकदम बर्फ हो गया है, और पहली बार मैं इस तरह का देख रहा हूँ। सुपर सुपर से भी ऊपर। द्रांग द्रुंग ग्लेशियर देखने के बाद निकल चुके हैं, और अब यहाँ से मुझे लगता है 2-2.5 घंटा लगेगा क्योंकि पूरा ऑफ रोडिंग है। मुझे पता है इसी रोड से आया हूँ मैं, ऑफ रोडिंग आज भी करने को मिला। कल तो यार भयानक ऑफ रोडिंग था, आज भी है लेकिन कल के मुकाबले तो नहीं। और यही रास्ता है, देखो यही रास्ता है सीधा, एकदम यही रास्ता कवर करते हुए जाना है हम लोगों को। ग्लेशियर तो यार सीरियसली
देख के तो वैसे मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, सियाचिन का देखा था और द्रांग द्रोंग ग्लेशियर, यही तो दो देखा हूँ मैं अभी तक। बहुत वाटर क्रॉसिंग है यार, बहुत वाटर क्रॉसिंग, मतलब छोटे छोटे हैं, लद्दाख जैसे नहीं है, रोड पे ही बह रहा है देखो। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे है कि मिट्टी गीली है, तो यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो ठीक है। पीछे बाप रे बाप, रंगदुम से पीछे तो पूरा कीचड़, पूरा कीचड़। बाइक तो सांप की तरह टैं 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 नाच रही थी। वो देखो छोटा सा जो वाटर बॉडी है, रिजर्वॉयर है या फिर लेक है, कितना मस्त लग रहा है, एकदम ग्रीन कलर का लग रहा है। ये देखो यहाँ भी वही हाल है, और ट्रक है चार पांच। बचा बचा बचा, इजी एवरेस्ट इजी, ये सब अब कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। ओहो मस्त मज़ा आएगा ड्रोन उड़ाने में यार। उड़ाऊँ क्या, आज ड्रोन नहीं उड़ाया। ये देखो नाचते हुए सब जा रहे हैं, यहाँ थोड़ा वेट कर लेता हूँ, ये लोग अगर रुक गए तो फिर साला पता चला गिर भी जाऊँगा। आज का दिन भी बहुत एडवेंचरस रहा, अब यहाँ से 2 घंटा लगेगा पदुम जाने में, और कुछ खास नहीं है, ऐसा ही ऑफ रोडिंग है। तो सोच रहा हूँ ये व्लॉग यहीं एंड कर लेता हूँ, इन्हीं वादियों में, इन्हीं स्नो कैप्ड माउंटेन्स में, इन्हीं पहाड़ों पे। अगर ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बाइकिंग सोल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, हैव ए सेफ ड्राइव एंड ए सेफ राइड। देखो गाड़ी की आवाज़ से तो भाग रहे हैं। क्या मस्त व्यू है यार इस साइड से भी, क्या मस्त व्यू है, आप ही बताओ ये स्विट्ज़रलैंड है कि नहीं। हाँ बस रोड बन जाएगा तो एक नंबर का हो जाएगा। जब मैं फोटोस्कर से आया था तब भी मैं बोला था क्या लग रहा है यार, दिस इज़ प्योर यूरोप, यहाँ पे रहने को मिल जाए ना। लेकिन यहाँ जैसे ही लोग आएंगे सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे ही रहो।